और अब बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां पर पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में रेलवे पुलिस बल में तैनात सुरेंद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। देर रात को उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। आतंकवादियों की गोली से शहीद हुए सुरेंद्र सिंह का गांव भारत माता के जय और शहीद सुरेंद्र सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। शहीद के भाई ने मुखाग्नि दी है और रेलवे पुलिस बल की टुकड़ी ने उन्हें सलामी के साथ अंतिम विदाई भी दी है। साथ ही मौके पर मौजूद प्रशासन के आला अधिकारियों ने पुष्प चक्र देकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि शहीद सुरेंद्र सिंह की पत्नी बबीता ने कहा है कि देश के लिए मेरे पति शहीद हुए हैं, मुझे उनकी शहादत पर गर्व है। दिल्ली से इंचार्ज बोल रहे हो, कहां से सब लोग जिनसे पता नहीं कुछ क्या बोल रहे हुए, लेकिन बोले एक दुखद घटना है, आप सहन कर पाओगे? मैं बोली मगर मेरे को साफ साफ बात बता दीजिए, मैं सहन करूंगी। उन्होंने बता दिया मेरे को कि वो दुनिया से जा चुके हैं। ये बहुत दुखद घटना है और इन्होंने देश के गौरव के लिए, देश की रक्षा के लिए शहीद हुए हैं और उनको सम्मान अंत्येष्टि के लिए हम लोग आए हैं।